हाय गाइस, मैं हूं इमरान और आज की वीडियो में आप जानेंगे दरगाह साबिर पाक के जन्नती दरवाजे को हफ्ते में कौन से दिन खोला जाता है और इस दिन में क्या क्या होता है खास, तो जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, उसके बाद कव्वालियों का प्रोग्राम होगा। ये रस्म सभी दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन साहब के आने के बाद होगा। ये सभी लोग जितने यहाँ पर मौजूद हैं, हफ्ते के दिन यानी जुमरात बृहस्पतिवार के दिन दरगाह साबिर पाक में खासकर आते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है दरगाह साबिर पाक के जन्नती दरवाजे को खोला जाता है, कुल शरीफ होता है और दुआएँ होती है। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, ये हजूर के खुद्दाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तबरुकात प्रसाद यहाँ पर रखा है, तोसे का, हलवे का। ये तबरुकात प्रसाद ज़ायरीनों को कुलशीफ के बाद बांटा जाएगा। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा करके ये दिया जाता है। ये दरगाह साबिर पाक के सज्जादा नशीन हज़रत शाह अली मंजर एजाज़ कुद्दूसी साबरी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब ये इजाज़त देंगे, उसके बाद कुलशरीफ की रस्म होगी, फिर कव्वाली का प्रोग्राम होगा। उसी बीच में मैं आपको दरगाह साबिर पाक के जन्नती दरवाजे पर लेकर जाऊंगा। चलिए पहले कुलशरीफ को सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए अब कव्वाली का प्रोग्राम सुनते हैं और इसी बीच में मैं आपको जन्नती दरवाजे पर लेकर जाऊंगा जो हफ्ते में एक बार खुलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुल शरीफ के बाद ही इस तबरुकात, इस प्रसाद को थोड़ा थोड़ा करके सभी ज़ायरीनों को, जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं उन सभी को दिया जाता है। देखिए, जितने भी ज़ायरीन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो पहले ही इंतजाम से बैठे हुए हैं, पन्नी लेकर बैठते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आते हैं और इस तबरुकात को, इस प्रसाद को अपने घर पर ले कर जाते हैं। और ये तबरुकात, ये प्रसाद बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि इस पर जो है कलाम पाक पढ़ा हुआ होता है, जिसके खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। ये हुजूर के खादिम लोग यहाँ पर मौजूद है, खिदमत के लिए हर जुमरात के दिन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अपने खिदमत को अंजाम देते हैं। और अब हम जाएंगे जन्नती दरवाजे की तरफ जो हफ्ते में एक बार खुलता है, उसके टाइम जो है इसको खोला जाता है, उसकी जितनी भी रस्में होती है उसके बीच में इसको खोला जाता है। ये जन्नती दरवाज़ा है, आप देख रहे हैं। बड़ी किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो इस जन्नती दरवाजे से अंदर दरगाह साबिर पाक में दाखिल होते हैं। यही वो जन्नती दरवाज़ा है जो हफ्ते में एक बार खोला जाता है या फिर उसके टाइम खोला जाता है। ये लोबान की धुनी भी हफ्ते में एक बार दी जाती है, जिस दिन दरगाह साबिर पाक के जन्नती दरवाजे को खोला जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जन्नती दरवाजे को खुला हुआ देखते हैं। मैं आपको ज़्यारत करा रहा हूँ, आप ज़्यारत कीजिए। और ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, ये ख़ास इसी दिन की वजह से यहाँ पर मौजूद है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जितनी भी दरगाह हैं उन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।